बार का जो पालकी है वो सबसे बड़ा पालकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? हर साल की इस साल भी कुछ अलग होने वाला है, कुछ कहेंगे? इस साई महोत्सव को 28 साल हो गए, 28 साल में हर साल हम लोग ऐसे ही महोत्सव मनाते हैं। गए साल बाबा की शताब्दी साल था और 27 साल का भी हमने यहाँ पे बाबा की शिरडी वगैरह बनाए थे। उद्देश्य ये कि यहाँ पे सभी भाविक जो है वो बड़े उत्साह में ये बाबा का उत्सव साझा करते हैं हमेशा। इसके अलावा जो टेरर अटैक हुआ है उसके ऊपर भी जो है गाने यहाँ पे बजाए जाए, तो ये साल जो है उनके लिए डेडिकेट होगा ऐसा? देखो, हमारी सबकी तो भावना है, हमने बाहर आप देखा होगा गेट के ऊपर भी हमने दिया है कि व्यर्थ न हो बलिदान, तो जवान लोग हमारे रक्षा करती है। और ये उत्सव जो है दो बाबा का धार्मिक उत्सव है, हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान को और शक्ति मिले, हमारे देश की अच्छी रक्षा होए और हमारे नागरिक भी इस जवान जो जवान है उनके साथ हमेशा साथ रहे। आपके मुताबिक क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? देखो हम तो हमेशा चाहते जो आदमी जैसा एक्शन करेगा वैसा रिएक्शन होना चाहिए, तो हर देश के नागरिक यही सोचेंगे कि हमारा देश मजबूत और सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो जवान कर रहे हैं, हम उनके ये सब चीज़ों के पीछे है, हमारा सभी लोगों का उनके साथ योगदान है, हम हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहते हैं और देश के लिए हम देश के नागरिक हैं। हमें तो गर्व है कि हमारा देश एक अच्छा देश है और अच्छे देश के नाते हम सब नागरिक का कर्तव्य होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर साल कुछ नया होता है यहाँ पर, इस साल बहुत सारी पब्लिक जो है इस साल सपोर्ट करने आई है इस पार्किंग को, क्या ऐसी चीज है जो हर साल नए लोग जुड़ते हैं इसके साथ? मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे बाबा के भक्त हैं और हर आप तो देखते हो कि लोग पैदल चलते जाते, सात आठ दिन पैदल चलते हैं और हर विभाग के अंदर बाबा का साई उत्सव बड़े पैमाने पे किया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ के जो नागरिक, कल तक हमारी ये साई वाड़ी थी, स्लम एरिया था, आज साई नगर बन गया है, तो हर एक लोग ऐसा कहते हैं कि इस विभाग के अंदर साक्षात बाबा का कुछ तो भी वास्तव्य है, इसलिए सभी लोगों ने इस जितने भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे साई वाड़ी में उसको साई नगर बना के साई बाबा के ऊपर ही सभी लोगों ने अपना नाम दिया है। साई राम आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर जय साई राम। तो वैसे तो देखिएगा कि जो कार्य आज हो रहा है ये हर वर्ष होता रहता है। आज श्री मनोहर पांचाल जी, इसके लिए इनका जो देह है, इनकी जो विश्वास है, इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं तो यहाँ के एरिया के लिए, इस मानव धर्म के लिए, इस अपने सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत प्रभु जी ने इनको दिया है। सद्गुरु साई की कृपा है कि ये हर साल इसी तरह से चलते रहे। देश के हित के लिए, जैसे आपने अभी पूछा, देश के सैन्य के लिए, तो मैं तो मानता हूँ कि मानव धर्म में ये चीज़ें जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए। इंसानियत के जरिए से जिस तरह से हमें एक बहुत बड़ी शक्ति बाबा की कृपा से ऐसी शक्ति मिले कि इस पूरे देश, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान का नाम हो, बाबा की कृपा सदैव मनोहर पांचाल के ऊपर हो और इस मानव धरती के लिए सदैव शक्ति मिले, यही बाबा की कृपा है। और यही इस तरह का जो उत्साह है ये हर साल होता रहता है। विशेष इनकी मेहनत, इनका पुरुषार्थ, एक मत जो है कि इस एरिया के जितने भी फंबेवाड़ी के वहाँ साई नगर के व्यक्तियों का विचार है कि भी इसी प्रकार की इस सिद्धांत को साई बाबा का जो है कृपा होते रहे और बाबा की कृपा सभी लोगों के ऊपर होते रहे और आप लोगों के ऊपर भी होते रहे। जय श्री कृष्णम, जय साई राम, जय सही बात है। आपने जो कहा वो सही है। इस प्रभाग के अंदर मेरे दादा जो है उन्होंने जो समाज सेवा के माध्यम से जो एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका कारण उनके पीछे जो ताकत है वो साईं बाबा जी की ताकत है। वो ताकत और बढ़ के उनके पीछे खड़ी हुई है और जैसे जैसे बाबा जी का उनको आदेश होगा वो हिसाब से आज जो डेवलपमेंट है इससे और दूना भी हो जाएंगे, ऐसा उनको हमारे सबकी तरफ से शुभेच्छा देता हूँ। अभी जब इसने हमको बुलाया तो बहुत अच्छा लगा और 108 पारायण उसने बोला तो 108 लोग हम लेके आ गए और
तीन दिन में हमने वो कार्य पूरा कर दिया और बहुत अच्छा हो गया। ये सब देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है बाबा को, ये तो बहुत सीढ़ी जैसी बाबा की श्रद्धा, जैसे अभी मुंबई में भी बाबा के ऊपर बहुत साई भक्त की बहुत श्रद्धा है, बहुत बढ़िया दिखता है। अंधेरी मुंबई मध्ये बाबांचं जे पारायण झालं 2 दिवसाचं, अतिशय सुंदर आणि भव्य दिव्य असं नियोजन त्यांनी केलं होतं। 108 पोथ्या आम्ही कंटिन्यूटी केल्या नॉनस्टॉप आणि अतिशय छान नियोजन सर्व कार्यकर्त्यांनी आयोजकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं। ओम साईराम। Come on!